हाय फ्रेंड्स, ये तोरण की नई डिज़ाइन है। इसकी पट्टी कैसी बनानी है ये हमने पार्ट वन में देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अब हम जो नीचे की डिज़ाइन बनाई है वो कैसी बनानी है ये देखेंगे। देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया है, वाइट कलर का धागा लिया है। इसे इस तरह से बड़ा वाला मैजिक सर्कल बनाएंगे, देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, उस मैजिक सर्कल में इस तरह से तीन चेन डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कल में इस तरह से डबल क्रोशिया डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, आठ डबल क्रोशिया डालने हैं। देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, मैजिक सर्कल में आठ डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने आठ डबल क्रोशिया डाले हैं। अब हम क्या करेंगे, उसी सर्कल में ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ पर हमें छः ट्रिपल क्रोशिया डालने हैं। देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, छः ट्रिपल क्रोशिया इस सर्कल में डालेंगे। देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, छः ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से हमने छः ट्रिपल क्रोशिया आठ डबल क्रोशिया बूंदे हैं। देखिए इस तरह से आठ डबल क्रोशिया, छः ट्रिपल क्रोशिया बूंदने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो चेन लेंगे, एक दो। यही प्रोसेस हम अब रिपीट करेंगे। अब यही एक साइड बन के हमारी तैयार है। अब यही प्रोसेस सेम उस बाजू में करेंगे। देखिए इस तरह से छः ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे हम, छः ट्रिपल क्रोशिया आठ डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से, इसके बाद हम क्या करेंगे, उसे इस तरह से जॉइन करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे कलर का धागा जॉइन करेंगे। देखिए इस तरह से, अब हम यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ चेन लेंगे, और जो हमारा डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया है उसके बीच में हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बंद करेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से बंद करने के बाद क्या करेंगे, एक चेन लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे ट्रिपल क्रोशिया है इसके हर एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए, डबल क्रोशिया एक चेन, नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हर एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से, ये हमारा पूरा बन के तैयार है। देखिए इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच छः, छः के ऊपर छः। अब हम क्या करेंगे, छः के ऊपर छः डबल क्रोशिया हमने डाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, चेन लेंगे, चार चेन लेंगे, एक दो तीन चार, चार चेन लेने के बाद जो हमने पहली चेन ली थी उसी में इस तरह से सुई डाल के सर्कल बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये सर्कल बन के तैयार है। फिर क्या करेंगे, हम जो नेक्स्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया है उसके ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद एक चेन, उसके बाद नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरे ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन। देखिए इस तरह से,
अब हम क्या करेंगे, 9 चेन लेंगे, देखिए इस तरह से, और वो देखिए इस तरह से बंद करेंगे, और इस तरह से एक स्लिप स्टिच डाल के ये डिज़ाइन हमारा बन के तैयार है। देखिए इस तरह से डिज़ाइन बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर जो हमने 9 चेन लिए थे उसके ऊपर देखिए इस तरह से हम 12 डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए इस तरह से 9 चेन में हम क्या करेंगे, 12 डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से हम इस डिज़ाइन में 12 डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से 12 डबल क्रोशिया हमने डाल लिए हैं। देखिए इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशिया डाले। अब हम क्या करेंगे, जो 2 डबल क्रोशिया है इसके बीच में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 2 चेन डालेंगे इस तरह से, और देखिए इस तरह से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया डालेंगे। जो हमने 1 डबल क्रोशिया लिया है उसे इस तरह से देखिए इसके ऊपर ही हम इस तरह से 5 डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 5 डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से, फिर जो नीचे के 2 डबल क्रोशिया है उसके बीच में इस तरह से स्लिप स्टिच डाल के वो ज्वाइन करेंगे। यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया के बीच में 1 डबल क्रोशिया डालना है, और उस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें देखिए इस तरह से 1-2 चेन डाल के इस तरह से 5 डबल क्रोशिया डालने हैं। देखिए इस तरह से इसे सुई को अंदर लेके इस तरह से हम उसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया है उसके बीच में इस तरह से स्लिप स्टिच लगाने हैं। देखिए यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन इस तरह से 5 डबल क्रोशिया डालेंगे हम। देखिए उसके बाद नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से स्लिप स्टिच लगाना है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा बनेगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने जो गोल बनाया था इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच करके जाएंगे, और उसके ऊपर क्या करेंगे हम इस तरह से उस सर्कल में 4 डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से जो हमने 4 चेन का सर्कल बनाया है इस सर्कल में इस तरह से हम क्या करेंगे, 4 डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से अब हम क्या करेंगे, 4 डबल क्रोशिया डालने के बाद 4 चेन लेंगे, 2-3-4, और पहली चेन में इस तरह से फंसा के सर्कल बना लेंगे। देखिए इस तरह से पहली चेन में इस तरह से धागे को ज्वाइन करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, उसी सर्कल में नीचे के देखिए इस तरह से और 4 डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया डाले। नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया है उसके बीच में इस तरह से स्लिप स्टिच डाल के
इस तरह से बंद करेंगे, देखिए इस तरह से। फिर क्या करेंगे, जो नेक्स्ट दो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दो चेन लेंगे और जो हमने डबल क्रोशिया डाली है उसके इस तरह से उसके ऊपर पांच डबल क्रोशिया डालेंगे, देखिए इस तरह से। इस तरह से हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस रिपीट करते करते ये पूरी डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस रिपीट करेंगे और ये पूरे डिज़ाइन बुन लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए ये हमारी पूरी डिज़ाइन बुन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर धागे को जॉइन करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन के तैयार है। देखिए हम क्या करेंगे, अब पम्पम बनाएंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है, दो कलर का धागा लिए है। इसे हम इसे गोल गोल इसे बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से हम इसके राउंड करेंगे और इस धागे को इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी धागे को कट करेंगे और इसे बीच में एक धागे से अच्छे से बांध लेंगे। देखिए इस तरह से इसे अच्छे से बांध लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, अब इसे अच्छे से धागे से इस तरह से बांध लेंगे। देखिए इस तरह से सभी धागे को अच्छे से बांध लेंगे और बांधने के बाद क्या करेंगे, कात्री के अच्छे से इस तरह से साइड से कट पूरे साइड से कट करेंगे। देखिए देखिए इस तरह से ये हमारा पम्पम बन के तैयार हो गया है। इसमें हमने सुई डाली है और हम क्या करेंगे, इसमें ये गोल्डन कलर के तीन बीट्स डालेंगे। देखिए इस तरह से, और ये हमारा पम्पम बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से मैंने हर एक को पम्पम लगा कर तैयार कर लिया है। और मैंने ये जो हमने डिज़ाइन बनाई थी वो पट्टी में इस तरह से देखें फिट की है। हमने जो पट्टी में साइड की बॉर्डर की है उसके हमने क्या किए हैं, एक दो तीन चार, चार डिजाइन छोड़ के दो डिज़ाइन में ये डिज़ाइन देखिए इस तरह से फिट कर ली है और उसे पम्पम लगाया है। देखिए इस तरह से आप आपके हिसाब से इसे लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारी पूरी डिज़ाइन तोरण बन के तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से ये हमारा तोरण पूरा बन के दिखेगा। देखिए ये इस तरह से हमारा पूरा तोरण बन के तैयार हो जाएगा। देखिए ये हमारा तोरण बन के तैयार हो गया है। ये तोरण आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नई नई डिज़ाइन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।